Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma, your science teacher. Umeed hai aap sab khairiyat se honge. Hum pad rahe the unit number 13, which is about rocks, the rock cycle and weathering. Humne first lecture mein iska introduction le liya. Uske baad humne dekha rocks kaise banti hain aur rocks ki kya types hain. Aaj hum apne topic ke third hisse ko discuss karenge, which is weathering. तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने मैंने लिखा weathering और उसके नीचे उसकी definition लिखी। The process by which rocks are broken down into small pieces. Rocks के टूटने को हम weathering कहते हैं। अब वो टूटना किसी भी किस्म का हो सकता है, चाहे वो dissolve हो रहे हो, टूट रहे हो, या हम mechanically या chemically हर चीज को हम कहेंगे weathering। क्योंकि रॉक्स एट द एंड डिस्ट्रॉय ही हो रहे हैं। आगे लिखा है व्हेन रॉक्स आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दे आर ब्रोकन डाउन बाय एयर वाटर एंड हीट फ्रॉम सन। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से रॉक्स टूटते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी वजह हो सकती है किसी रॉक के डिस्ट्रॉय होने की या टूटने की। इसका मतलब कि जब भी मोल्टन या फिर मोल्टन रॉक्स या फिर मैग्मा जब हमारे सरफेस पे आएगा, जिसको हमने कहा सरफेस पे आके लावा, जब ये लावा आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन करेगा और रॉक फॉर्मेशन होगी, तब हमें पता चलता है कि हमारे ये जो रॉक्स हैं ये एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज होने का मतलब है दैट नाउ दे आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर वाटर या फिर द हीट फ्रॉम सन या हम कह सकते हैं द सनलाइट। अब ये तो कूल डाउन कर गए, रॉक बन गए जिसका हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब उसका टाइम है वेदर होने का, मतलब टूटने का। अब पानी, हवा या फिर सनलाइट की वजह से ये पत्थर टूट सकते हैं। टूटने की दो कैटेगरीज यहाँ बताई गई हैं, एक है फिजिकल ब्रेकडाउन, एक है केमिकल ब्रेकडाउन। अगर एक पत्थर मौजूद है, उस पत्थर के ऊपर मैं हथौड़ी मारती हूँ, तो वो फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज इट विल ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ द हैमर। क्योंकि हमने हैमर स्ट्राइक किया है पत्थर के साथ, ये एक फिजिकल कॉन्टैक्ट था, इसीलिए वो टूट गया। दिस इज फिजिकल ब्रेकडाउन। अगर हम इसी पत्थर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत तेज एसिड डाल देते हैं या फिर कोई ऐसा केमिकल डाल देते हैं जिससे वो डिजोल्व हो जाए, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो और वो डिजोल्व हो जाए या डैमेज हो जाए, तो हम कहेंगे दैट इज केमिकल ब्रेकडाउन। हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं अब जाकर थोड़ी डिटेल में। सबसे पहली टाइप है हमारी फिजिकल वेदरिंग। रॉक्स कैन बी वर्न अवे और इरोडेड बाय द एक्शन ऑफ विंड और बाय फ्रॉस्ट शैटरिंग। रॉक्स जो हैं वो टूट सकती हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, जैसे हमने पीछे पढ़ा बाय द एक्शन ऑफ विंड, तेज हवा की वजह से भी रॉक्स टूट सकती हैं। और सेकेंड है फ्रॉस्ट शैटरिंग। अब फ्रॉस्ट शैटरिंग क्या होता है आइए देखते हैं। वाटर सीप्स इनटू द क्रैक्स इन द रॉक एंड फ्रीजेस। अब हमें पता है कि हमारे सरफेस के ऊपर मौजूद है पानी। अब वो पानी या तो कोई स्ट्रीम ओशन से आ रहा है या फिर रेनफॉल से आ रहा है या कहीं से भी नहीं, तो हम खुद अपने प्लांट्स को या फिर हमारे गिराज में जब पानी लगाते हैं तब भी पानी पहुंच जाता है इन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब या फिर एक्सटीरियर से, या हम कह सकते हैं कि अर्थ के एक्सटीरियर से पानी जो है वो एब्जॉर्ब होके इंटीरियर में चला जाता है। अब जब वो इंटीरियर में गया और हमारे पास कोई पत्थर मौजूद है, उस पत्थर के अंदर क्रैक है, अगर उस क्रैक के अंदर पानी चला जाता है और ये ठंड का मौसम है, वो पानी फ्रीज कर जाता है। क्योंकि हमें पता है कि इंटीरियर के अंदर ठंड है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर डाउन होता है तो अर्थ अपने इर्द गिर्द के एटमोसफेयर से चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, इसी तरह वो टेम्परेचर को भी एब्जॉर्ब करेगा। अगर बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है तो हमारी सड़क से नॉर्मली आप देखेंगे कि हीट आ रही होती है, दैट इज़ बिकॉज हमारा सरफेस ऑफ अर्थ एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि वाटर जो है वो रॉक के अंदर जो क्रैक था वहाँ से गुजर रहा है और बहुत ठंड है, तो वो क्या होगा, फ्रीज। फ्रीज की वजह से इसको फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट मीन्स गेटिंग फ्रीज्ड, मतलब जम जाना। ये पानी उस क्रैक के अंदर गया,
और वहां जाकर जम गया. अब क्या होगा? When water turns to ice, it expands. अब आप ये देखें कि जब आप एक छोटी सी, for example, किसी flexible material के बहुत पतले प्लास्टिक में पानी को डालें और फ्रीज करें, तब आपको पता चलेगा कि फ्रीज होके पानी अगर इतने वॉल्यूम का है तो इतने वॉल्यूम का हो जाएगा. इसका मतलब वो एक्सपैंड कर रहा है. अब पानी जो है वो क्रैक के अंदर गया, उसका वॉल्यूम कम था, वहां जाकर वो फ्रीज हो गया. फ्रीज होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब वो एक्सपैंड कर गया. दिस फोर्सेस द रॉक टू स्प्लिट. अब जब वो एक्सपैंड कर जाएगा तो जाहिर है कि एक पतली सी जगह पर जब कोई चीज जाके एक्सपैंड करेगी तो पत्थर टूट जाएगा. स्प्लिट मीन्स टूट जाना. अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ, पानी जो है वो रॉक के क्रैक के अंदर एंटर कर गया है, वहां जाकर जब वो जमता है तो फिर वो एक्सपैंड कर जाता है. कोई भी चीज अगर एक्सपैंड करेगी तो वो इर्द गिर्द प्रेशर एग्जर्ट करेगी और इस प्रेशर की वजह से जो रॉक है वो स्प्लिट कर जाएगा. लार्ज रॉक्स शैटर टू फॉर्म स्क्वी. अब जो बड़े बड़े पत्थर थे वो इस फ्रॉस्ट शैटरिंग की वजह से छोटे पत्थरों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं या टूट जाते हैं. इन छोटे पत्थरों को कहा गया है स्क्री. अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, मास ऑफ स्मॉल स्टोन्स दैट फॉर्म द माउंटेन स्लोप. आप में से हर कोई गया होगा हिली एरियाज में, वहां आप देखेंगे एक बड़ा माउंटेन मौजूद है और माउंटेन की जो स्लोप है बिल्कुल एंड है, वहां आप देखेंगे छोटे छोटे पत्थर और रेत की वजह से बहुत ज्यादा स्क्री मौजूद होगी. स्क्री, दिस इज द टर्म SCREE स्क्री. उसको हम स्क्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छोटे पत्थर होते हैं जो टूट के बने होते हैं फ्रॉम लार्ज रॉक्स. और ये लार्ज रॉक्स टूटते किस वजह से हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट शैटरिंग. सिर्फ फ्रॉस्ट शैटरिंग की वजह से ये रॉक्स नहीं टूटते. हो सकता है कि बहुत गर्मी के बाद बहुत सर्दी दम से पड़ गई हो, तब भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होने से भी ये पत्थर आखिरकार टूट जाते हैं. इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर आप किसी रॉड, आयरन रॉड का डायमीटर या फिर सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं, फिर आप उसको फ्रीज करते हैं, आप देखेंगे कि फ्रीज करके वो एक्सपैंड हो रही है. इसी तरह अगर आप उसको बहुत हीट करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि वो एक्सपैंड कर रही है, मतलब उसका डायमीटर अब फ्रीज होके या फिर बहुत ज़्यादा हीटअप होके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इसीलिए रॉक्स जो है वो टूट जाते हैं. बड़े पत्थर जब टूट के छोटे पत्थर बन जाते हैं और माउंटेन स्लोप पर आकर गिर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्री. तो ये था हमारा फिजिकल वेदरिंग. हमने सिर्फ दो टाइप्स पढ़ी, फिजिकल और केमिकल. एक और टाइप है, आइए देखते हैं वो कौन सी है. बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल वेदरिंग की अलग कैटेगरी नहीं बनाई जाती. उसकी वजह ये है कि ये भी फिजिकल वेदरिंग है, मगर इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट जो है वो इन्वॉल्व है. अ प्लांट, एज प्लांट रूट्स ग्रो, जब पौधे की, किसी भी पौधे की रूट्स ग्रो करती हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर की तरफ. आपने देखा कि जब भी आप किसी पौधे को देखते हैं आपको उसकी रूट्स नजर नहीं आती, आपको उसकी शूट्स नजर आती हैं. अर्थ की बाउंड्री ये है, उसके ऊपर एक्सटीरियर है, उसके नीचे इंटीरियर है. अब आपने देखा कि ऊपर एक्सटीरियर के ऊपर शूट मौजूद है और इंटीरियर मतलब जहां पर हमें नजर नहीं आ रहा वहां पर मौजूद हैं रूट्स. अब ये रूट्स जब ग्रो करती हैं, इट स्प्रेड्स अराउंड इनटू एंड अराउंड रॉक्स. अब ये रूट्स जब इंटीरियर की तरफ फैलती जा रही हैं तो हम देखते हैं अर्थ के इंटीरियर में मौजूद जो रॉक्स हैं, ये रूट्स जाके उनके बीच में से, उनके ऊपर से, उनके नीचे से अच्छी तरह उनको लपेट लेती हैं. कॉजेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिल्डअप. जब भी किसी चीज के इर्द गिर्द आप जोर से रस्सी को बांध दें तब क्या होगा, एक स्ट्रेस मतलब एक बहुत जोर का प्रेशर जो है वो बिल्डअप कर जाएगा. बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी होगा कि जब रूट्स जो है वो ग्रो करती जा रही हैं और वो इर्द गिर्द लिपट गई हैं हमारे रॉक्स के, तो रॉक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा है. इवेंचुअली कॉजेज क्रैक्स टू अपीयर. अब फिर क्या होगा कि क्रैक्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे इन रॉक्स के अंदर. क्रैक बिकम्स लार्जर एज द प्लांट कॉन्टिन्यूज टू ग्रो. अगर तो प्लांट अभी छोटा है तो उसकी रूट्स भी बहुत सॉफ्ट सी और छोटी छोटी होंगी, मगर विद टाइम जो है ये प्लांट ग्रो करता जाएगा और ये एक पॉइंट आएगा जब वो एक दरख्त की शक्ल अख्तियार कर लेगा.
तब ऐसा होता है कि रूट्स जो पहले सॉफ्ट थी और छोटी थी अब फैल जाएंगी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये रॉक्स के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं और पहले ही प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है, प्रेशर की वजह से क्रैक हुआ था, मगर अब जब ये रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, इट कॉजेज द रॉक टू स्प्लिट। जो रॉक है वो एंड में स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट का मतलब है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना, डिवाइडिंग इंटू टू। जो हमारा एक रॉक था उसके इर्द गिर्द रूट्स आई, रूट्स ने प्रेशर एग्जर्ट किया, रॉक के अंदर क्रैक आ गया। जैसे जैसे रूट्स मैच्योर हुई, मतलब बड़ी होती गई और स्ट्रांग होती गई, उतना ही प्रेशर एग्जर्ट होता गया रॉक्स के ऊपर और अल्टीमेटली ये हुआ कि उस प्रेशर की वजह से रॉक जो है वो टूट गया, टूट के दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, मतलब रॉक्स का टूटना। एंड बिकॉज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या फिर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड, इट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग। अब हमारी जो लास्ट टाइप थी केमिकल वेदरिंग की वो रह गई है, तो आइए अब जल्दी से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल वेदरिंग, अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा तब होगी हमारी केमिकल वेदरिंग, या हम कह सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय अ केमिकल रिएक्शन। पहला इसका क्या स्टेप है, द रॉक फ्रेगमेंट्स आर एक्सपोज टू द एनवायरमेंट। जो रॉक है वो एनवायरमेंट से एक्सपोज करेगा। व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर डिजॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर मेकिंग इट स्लाइटली एसिडिक। अगर आपको याद हो यूनिट नंबर 9 एसिड्स एंड अल्कलीज में एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया था, दैट वॉज वट इज एसिडिक रेन। एसिडिक रेन में हमने ये पढ़ा था कि जब एनवायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेन वाटर के साथ डिजोल्व कर जाती है तो वो एक वीक सा एसिड बनाती है जिसको हमने कहा कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड काफी वीक होता है और ये नेचुरल प्रोसेस है, तो एज सच इतना ड्रास्टिक कोई डैमेज नहीं करता। मगर यहां पर ये क्या करेगा, एज कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स डिजोल्व्ड इन द रेन वाटर, हमारा जो रेन वाटर का पीएच है वो 7 से नीचे चला गया है, मतलब अब हमारा रेन वाटर एसिडिक हो गया है। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द वाटर एंड द मिनरल्स ऑफ द रॉक। अब इसका इंटीरियर में भी जाना जरूरी नहीं है, अर्थ के ये रेन वाटर जब हमारी सरफेस पे मौजूद रॉक्स के ऊपर पड़ेगा तो आपको पता है कि रॉक्स में मौजूद होते हैं बेतहाशा मिनरल्स। और क्यों होते हैं एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, उसकी वजह यह है कि क्योंकि रॉक आ रहा है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के बिल्कुल बीच सेंटर में से या अलावा ऊपर की तरफ आता है, तो बीच में मौजूद हमारे अर्थ के क्रस्ट के तमाम मिनरल्स ये अपने साथ कैरी करके सरफेस पे ले आता है। जब कूल डाउन होता है तो रॉक बना देता है और इस रॉक में मौजूद होते हैं बेतहाशा मिनरल्स। अब मिनरल्स के साथ रिएक्शन होगा हमारे रेन वाटर का। अगर ये नॉर्मल वाटर होता तो कोई रिएक्शन ना होता, मगर ये वाटर जो है ये स्लाइटली एसिडिक है क्योंकि इसने एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन द वाटर एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है पानी और रॉक के बीच में, पानी में मौजूद जो एक वीक सा एसिड था कार्बोनिक एसिड, उसका रिएक्शन होगा रॉक्स में मौजूद मिनरल्स से और फिर क्या होगा, कॉजेस द रॉक टू क्रम्बल एंड डिसॉल्व। मतलब जो रॉक है उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है एसिड का विद मिनरल्स, तो अल्टीमेटली रॉक जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वो फौरन से क्रैक के साथ टूटता नहीं है, मगर वो इरोड होना शुरू कर देता है, डिसॉल्व होना, डैमेज होना शुरू कर देता है। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपनी सड़क से, सड़क पे दम से बड़ा सा क्रैक नहीं आता, वहां भी यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इरोड होना या डिसॉल्व होना शुरू कर देती है और फिर डैमेज होती है रोड कहीं कहीं से। उसके पीछे वजह होती है केमिकल वेदरिंग की। तो उम्मीद है कि आपको दोनों टाइप्स समझ आ गई, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में कोई फिजिकल ऐसा स्टिमुलस था जिसकी वजह से हमारा रॉक फिजिकली टूट गया, मगर केमिकल वेदरिंग में क्या हुआ कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से हमारा जो रॉक है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व कर गया या इरोड हो गया। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ वेदरिंग, मतलब द टाइप्स बाय विच अ रॉक कैन ब्रेक डाउन। अब उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।
आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।